हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आज हमें यहाँ पर बैंड्रा शोरूम में और लेने आए हैं डिलीवरी नई जावा 42.1 मैट ब्लैक एडिशन की। मेरे जो मित्र हैं ट्रैवलिंग स्पार्टन, उनकी बाइक है ये, और साथ में हमारी है बुलबुल थंडरबर्ड 350। जो ये बाइक है जावा 42.1, इसमें है 293 सीसी का इंजन, जो आपको एक ज़बरदस्त 27.33 PS की पावर देता है, जो कि रॉयल इनफील्ड से काफ़ी ज़्यादा है। रॉयल इनफील्ड 19 समथिंग की पावर देता है। और जो टॉर्क है इसका 27.02 Nm का, जो कि रॉयल इनफील्ड के बराबर है। तो और इसमें जो हेडलाइट यूज़ हुआ है, दैट इज़ ए हैलोजन बल्ब, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। लेकिन ये जो रेड हेडलाइट है, ये इसकी क्लासिक लुक को और बढ़ा देता है। साथ में इसकी अगर कूलिंग सिस्टम की बात की जाए, तो ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि रॉयल इनफील्ड में एयर कूल्ड आता है। इस हिसाब से सेगमेंट में काफ़ी अच्छी शुरुआत है। और एक इश्यू जो इसमें बोला जाएगा वो ये है कि इसमें किक नहीं है, आपको सिर्फ सेल्फ का स्टार्टिंग का मिलता है। और इसमें आपको मिलता है डुअल ABS, और फ्रंट डिस्क मिलती है 280 mm की, और रियर डिस्क भी 280 mm की। तो ब्रेकिंग वाइज ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और ड्यूअल ABS आने से और बढ़िया हो जाता है। इसके साथ जो इसमें एग्जॉस्ट है, डबल एग्जॉस्ट, ये इसके लुक को और ज़बरदस्त बना देता है। साथ में ये जावा का जो ये मैट ब्लैक लुक है, ये काफ़ी ऑसम लगता है। और साइड प्रोफाइल देखिए गाड़ी की, एकदम ज़बरदस्त। और सबसे बढ़िया चीज़, लॉन्ग राइडर्स के लिए ये जो गाड़ी आती है ट्यूबलेस टायर्स के साथ आती है। जो पहला वाला एडिशन था उसमें स्पोक व्हील थे, बट ये अलॉय व्हील्स हैं और इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है, तो आपको पंचर वगैरह का भी इशू ज़्यादा रहेगा नहीं। इसके साथ इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो है 40 लीटर्स की, तो 30 का एवरेज भी लगाया जाए तो इसमें आपको अच्छी खासी वो मिल जाता है। सैडल हाइट है गाड़ी का, वो है 765 mm, तो ठीक है, 5.54 बंदे के हिसाब के लिए अच्छी है। साथ में जो कार्ब वेट है, दैट इज़ 172 kg, तो रॉयल इनफील्ड से करीबन 20 kg हल्की है गाड़ी है। साथ में अगर थंडरबर्ड से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जो दोनों गाड़ियाँ हैं वो अलग अलग ईरा की है। मेरी जो बाइक है ये 2014 मॉडल है, और जावा 2021, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेडेड है। इसमें B6 मॉडल है, और आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जावा की, जो मुझे बढ़िया लगी वो है ट्यूबलेस टायर, ड्यूअल ABS और ऑयल कूलिंग, जिससे आप गाड़ी को लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन तक चला सकते हैं और इंजन आपका गर्म नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें थी जो इसको बेटर बनाती हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, जो मैंने कंपेरिजन किया है। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही किसी ब्लॉग में दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़